हथिनीकुंड बैराज से 2,96,000 क्यूसिक पानी छोड़े जाने के बाद यमुनानगर और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़क मार्ग से लेकर रेल मार्ग तक पानी की चपेट में आने से बंद हो गया है। दरअसल हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी से बीते दिन एक बड़ा हादसा होते होते टला। यमुना नदी का पानी तेज रफ्तार से यमुनानगर के आसपास के इलाकों में फैल रहा है। कई गांव पानी की चपेट में आ चुके हैं, जबकि अमृतसर सहारनपुर रेल मार्ग भी पानी की भेंट चढ़ गया। यमुना नदी का पानी यमुनानगर सहारनपुर कलानौर बॉर्डर पर आ जाने से पानी ने रेलवे ट्रैक को नीचे से खोखला कर दिया। वहीं अमृतसर से सहारनपुर की तरफ से आ रही एक यात्री गाड़ी को भी इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा, क्योंकि रेलवे ट्रैक के नीचे से पानी निकलने के कारण अप एंड डाउन रेलवे ट्रैक धस गया था और अगर ट्रेन आगे आ जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये अपलाइन में जो 4549 को पास कर दिया गया था, उसके 2-4 मिनट बाद ये रेल ट्रैक बाधित हुआ और डाउन में 1418 आ रही थी, तो उसको मैंने सिग्नल रेड करके सावधानी पूर्वक रोक दिया। जैसे ये बाधित हुआ है कारण ये पानी के कारण, जिसके नीचे से पानी निकला तो ट्रैक नीचे धसने लगे, ज़्यादा पानी भरा होने के कारण ट्रैक के नीचे से पानी निकला और ये नीचे मिट्टी बैठ गई। एक तरफ रेल मार्ग तो दूसरी तरफ सड़क मार्ग भी यमुना नदी के पानी की भेंट चढ़ गया है। रेलवे ट्रैक के नीचे से निकलने वाले वाहनों को भी काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि अंडरपास यमुना नदी के पानी से भरा हुआ है और इस रास्ते से निकलने पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, कई गांव भी इस पानी की चपेट में आ चुके हैं। लापरा गांव में यमुना नदी का 2-2 फीट पानी आ चुका है, जिससे कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक प्रशासन इन गांव की कोई भी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। यमुना नदी के पानी ने पूरे इलाके में जमकर तबाही मचा रखी है। हालांकि ट्रैक के धंसने पर लोग इसे ठेकेदार की लापरवाही भी मान रहे हैं। पंजाब के सीटीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।